छांछित होकर के बैठ जाएं। स्वागत का क्रम पूरा हुआ है, अब हाथ जोड़े यहाँ से गुरु वंदना करेंगे। रोज बताते हैं इस महान यज्ञ आचार्य जी हैं गुरुदेव, और वही जो प्रेरणा देते हैं वही बातें आपको यहाँ बताई जा रही है। गुरुदेव की ही बात यहाँ कही जाती है, उसको आप अपने जीवन धारण के हाथ जोड़े गुरु का आह्वान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वैतवाकीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदेशाख्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शेष सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाते गीताय रंगी अस्ताभिमां सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यासारे भये मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान्याय तेने यरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवन्विवायुगगना भुवीर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः साधनादि पवित्रीकरणम् साधनादि पवित्रीकरण का मतलब है जो साधन यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में उपयोग में आएगा उन्हीं के ऊपर जल का अभिसिंचन करेंगे मुख्य यजमान। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्री यजमानो हवीर्वि अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षत्वम् समान आयुः प्रमोषीः ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामायश्च बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी कलश पूजन व करने वाले भाई बैठ जाए अपने जगह पर। दीप पूजन यहाँ मुख्य यजमान जो ऊपर हैं ये कर रहे हैं, बाकी सभी हाथ जोड़ करके दीप देवता का ध्यान करें। जीवन में शहर अंधेरा है छाया इस जीवन में शहर अंधेरा है कर्मों ने हमें लूटा विषयों ने घेरा सहारा है अब कोई नहीं जग में
तेरा सहारा मेरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग भी अपने हाथ में पुष्प अक्षत ले लें, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के भाव करते हुए आप वहीं पुष्प अक्षत छोड़ देना, बाकी पूजन यहाँ मुख्य यजमान कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री मार्गदर्शिका नमोस्तु। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मा गायत्री आवाहनम्। उसके बाद वेद माता देव माता विष्णु माता अत्वर्दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सम्मातः ब्रह्म योनी नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानं आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए इसके बाद में सब देव शक्तियों के साथ आह्वान करते हुए ये पुष्प अक्षत चढ़ा दो, चढ़ा दो वहीं, और उसके बाद सब देव शक्तियों का एक साथ आह्वान करते हुए और भाव से पूजन करेंगे, फिर पुष्प अक्षत देना। अभिप्सिद्धार्थ सिद्धार्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति ते साममङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोकपितामह आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदिशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवं मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दुर्गे स्मृता हर्षिभेतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय शदाद्रचित्ता। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। आद्रां यः करणीं व्यष्टिं सुवर्णां मेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मी
जातवीदो मयाव कालिकातु कलातीतं कल्याणी देयं शिवं कल्याणी जननी नित्यं कल्याणी पूज्यम्यं विष्णुपादं यशंभूते गंगे त्रिपथगामिनीं धर्मद्रवेति विख्याते पापं मेहर जहानवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससि भूमि सुतो भूदर्शन गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु गौरी पद्मा सची मीरा सावित्री विजया जय देवशीना सदा स्वाह मातरु लोक मातर धृते पुष्टि स्तता तुष्टि आत्मने कुल देवता गणेशेनाधिकावीता विद्यो पूज्याश षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्दितिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश सप्तैता दिव्य मातर नागपीष्ट शमाणूनं सूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वादिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। अक्षत पुष्प मस्तक से लगाएं, खाली प्लेट में छोड़ दें। सर्वदेव नमस्कार। सब देव शक्तियों का आह्वान किया। सूक्ष्म रूप में स्थिर क्षेत्र में सब देव शक्तियां विराजमान हैं। आइए जिन देव शक्तियों का यहाँ से नाम आए उनके भाव करते हुए प्रणाम कर लेना। अपने घर कोई भी आता है तो अपन उनको बिठाते हैं, आसन देते हैं, पांव धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं। तो उसी प्रकार से सब देव शक्तियां अपनी आई है, आइए उन देव शक्तियों का भाव से प्रणाम करते चले। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भराभ्याम नमः नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः नमः। ओम मातृ पितृण कमलेभ्यो नमः नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः नमः। चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षत्वं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठ शांतिर् भवतु। मस्तक से लगा ले और जिसमें पूजन किया उस तस्त्र में आपका संकल्प। रक्षा विधानम हम रक्षा विधान के लिए प्रत्येक कुंड से मुख जगान भाई बहन जो भी हो बाएं हाथ में पर्याप्त मात्रा में अक्षत लेके खड़े हो जाएं। एक कुंड से एक भाई और बहन जो भी जिस दिशा का निर्देश हो पहले पूर्व का भान कर ले, पूर्व उसका कोना, दक्षिण उसका कोना, पश्चिम उसका कोना, इस तरह से दसों दिशाओं के दिक्पालों से निवेदन करेंगे। यज्ञ जैसा संस्कार जैसा कार्य हम करने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं अड़चने नहीं आए, इस भाव के साथ में रक्षा विधान। ओम भूर्वे रक्षत्वारा
आग्नेयं गरुडध्वजं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षायि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दक्षतु अनुत्तमतियतस्थानं रक्षत्वे सोममादृते अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अभी यज्ञ नहीं होना, संस्कार होना, बैठ जाइए सभी लोग। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं स्थितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाने शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्य शान्तस्तमीश्वरं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वास परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततविश्वमनन्तरूप त्वयात्तविश्वमनन्तरूप। आंखें खोले, सभी लोग सामान्य स्थिति में आए और अपने आप को बड़े भाग्यशाली माने, क्योंकि हर युग में भगवान अपनी टीम को लेकर के आता है श्रेय सम्मान दिलाने के लिए। भगवान हर काम को करने में सक्षम है, असंभव को संभव बना देने का ताकत है, शक्ति है, योजना है, सब कुछ है। आप लोग विशेष बुलावे पर विशेष योजना के साथ सहभागिता के लिए भगवान का निमंत्रण पर बुलाए गए हैं। आज 4 दिवसीय कामन कुंडीय गायत्री महायज्ञ का महापूर्णाहुति का दिन है। ध्यान दीजिए, महापूर्णाहुति का दिन है, और महापूर्णाहुति कोई खास पूर्णाहुति नहीं होती है। महा का मतलब ही होता है जो दुनिया से सबसे बड़ा ताकतवर हो। महा का मतलब होता है दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला का पूर्णाहुति हो रहा हो। किसकी पूर्णाहुति हो रही है, किसकी पूर्णाहुति हो रही है? भाई बहनों, पूर्णाहुति का मतलब कार्यक्रम का समापन नहीं। पूर्णाहुति का मतलब होता है कि आज से हमारे जीवन का कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्यक्रम समापन किसके लिए होने जा रहा है? टेंट वाले के लिए, माइक वाले के लिए, और खेल तमाशे करने वाले के लिए, सामान बेचने वालों के लिए आज कार्यक्रम यहाँ का समाप्त हो रहा है। लेकिन जो इस कार्यक्रम में आहुतियां देने के लिए पहुंचे हैं, या जिस रूप में जिनका सहयोग मिला है, जिनके अंदर जिस तरह का भाव जागृत हुआ है, उसको और वृद्धि करने के लिए आज से भगवान की विशेष जिम्मेदारी उठाने का नाम क्या है? महापूर्णाहुति। भाई बहनों, गुरु ही करता है। गुरु क्या करता है? सीधा भगवान से कांटेक्ट करा देता है। गुरु क्या करता है? सीधा भगवान से संपर्क करा देता है। इसलिए इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी क्या किया है? उन्होंने सीधे भगवान से संपर्क करने का एक प्रक्रिया पूरी कर दी है। दीक्षा जनेऊ लेने वाले अपने जनेऊ निकाल ले। आइए हम सब, यदि जो लोग लेना चाहते हैं दीक्षा सेठ लेकर के तैयार हो जाए। जनेऊ अपना अपना निकाल ले, जनेऊ अपने अपने निकाल लिए। आपका समय गलत दिशा में जाने ना पाए, आपका ध्यान गलत दिशा में लगने ना पाए, इसके प्रति आप जागरूक रहेंगे, जागरूक रहेंगे। बोले ओम संयमशीला तत्परश्च भविष्यामि, संयमशील और तत्पर रहेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधिए, सभी लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधिए।
भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सदगुणों का खजाना है, भगवान गुणों का सागर है। दाहिना हाथ ये संकेत करता है कि हम गुणों का अनुकरण करें, अब गुणों का नहीं। हम गुण ग्राह्य हो, अब गुण ग्राह्य नहीं। गुणों को इकट्ठा करें, अब गुणों का नहीं। दाहिना हाथ इसी का प्रतीक है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखिए और एक बार निर्णय कर लीजिए कि आज भगवान से जुड़ने जा रहे हैं, गुरु से जुड़ने जा रहे हैं। गुरु और भगवान का यही काम है और इसके लिए हमें तत्परता दिखानी पड़ेगी। जहां से आपको दोहराने के लिए कहा जाए, गुरु अनुशासन में नियमित उपासना करेंगे हम गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अध्ययन करेंगे हम गुरु ऋण एवं देव ऋण से होने के लिए भगवान की आराधना मानकर समाज सेवा के लिए समय दान अंशदान यथाशक्ति करते जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। बोली परम पूज्य गुरुदेव की। इसलिए बच्चों को ज्ञान होगा, इसलिए हमने कहा कि गरीब घर का एक लड़का था, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने माताजी ने कोई बात नहीं बेटा, हम जमीन को गिरवी रख देंगे और तेरे को हम डॉक्टर बनाएंगे। अब उसको डॉक्टर तो बना दिया, अब लड़के को थोड़ा क्यों विद्यार्थी नहीं अहंकार आ गया उसका। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे गांव में, इस गांव में माता पिता रहते हैं, मैं दूसरे गांव में बच्ची करा दूं, वहां चला जाऊंगा। विद्यां समर्थयामि, यानी शिक्षा के साथ में विद्या का भी विकास करेंगे, ये वाली बात बताइए इसमें सूत्र में। हाथ जोड़े गणेश जी के ध्यान करो। ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसौ मम आहम जानि गर्भदमा तमजासी गर्भदम्। ओ मनो ज्योतिरजुषता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिम तनो त्वरिष्ठम यज्ञगुंसमिमं ददातु, बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठम यज्ञगुंसमिमं ददातु, विश्वे देव सह्यमादयन् तामो प्रतिष्ठ। आइए बच्चों को गायत्री मंत्र लिखा दो, ओम लिखा दो, जैसा भी है ओम लिखा दो हाथ पकड़ के, और फिर मम्मी पापा जो भी हो इस कॉपी को पूरा करना। ओम भूर्भुवः स्वस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लिख लो बेटा, अगर बड़े बच्चे हो तो पूरा मंत्र लिख दो, पूरा मंत्र लिख दो गायत्री मंत्र। आइए सब बच्चों को आशीर्वाद दे दो, बहन जी सब बच्चों को आशीर्वाद दे दो, इनको खूब ज्ञान आए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। अब बच्चों आज से प्रणाम करो, आपके माता पिता पालक हो जो भी आपके साथ में आए उनको प्रणाम करके जहाँ बैठे थे वहां चले जाओ। माता पिता को प्रणाम कर लो, चाचा चाची को प्रणाम करो,
दादा दादा को प्रणाम करो, जो भी अपने घर के बड़े बड़े बैठे हैं सबको प्रणाम करके और जाओ, चले जाओ अपने साथ प्रणाम कर सबको। मम्मी को करो, पापा करो, दादाजी करो, चाचा को भी करना, सबको प्रणाम करो। चलो अब जाओ, बैठ जाओ। अब देखो भाई, अब अग्नि स्थापन करेंगे, अब कोई संस्कार नहीं होंगे, अब अग्नि स्थापन। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ कुंड के बाहर अग्नि देवता का पूजन कर दें, अक्षत पुष्प चढ़ा दें, चंदन लगा दें, गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अग्निदेव को प्रज्वलित करते रहे। यहाँ से गायत्री स्तवन का पाठ हो रहा है। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। भवन करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सलम में रविदोपगीतम यद्योगिनां योग पथानुगम्यम तत्सर्ववेदम प्रणमामि दिव्यम पुनातु मां तत् मां तत् चवितुर्वरेण्यम पुनातु मां तत् चवितुर्वरेण्यम पुनातु मां तत् चवितुर्वरेण्यम। पंखे से हवा करके अग्नि देव को अच्छी तरह से प्रज्वलित कर रहे हैं। ओम उद्वद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा पूर्ते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिस्तदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय मानस सीदत। देवा चारों का अवलंबन करते रहे। चार आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, उसका भी हम पालन करें। पुरुषार्थ भी चार है, आइए इस भाव के साथ में प्रथम संविदा ले लें, बीच से पकड़ लें, दोनों छोर घी में डुबा लें। जातवेदस्तेने दस्ववर्दस्वेद्दवर्दे चास्वान्द्रजय पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदय जल प्रसेचन ध्यान दे। पात्र एक छोटा चम्मच जैसा है, एक लंबे हत्ते वाला, एक छोटे वाला है, दीपक जैसा है ना उसका, हाँ बस इसमें जल ले ले। ओम मध्य दिन मनस्वते पूर्वे पूर्व दिशा में थोड़ा कुंड के पास। ओम मनमति मनस्वते पश्चिमे पश्चिम दिशा में कुंड के पास। ओम सरस्वती मनस्वते उत्तरे उत्तर दिशा में छोड़े, आप दक्षिण से चारों ले लो। ओम देव सविता प्रसव यज्ञ प्रसव यज्ञ पति भगवान दिव्यो गंधर्व के दपो ईदम न पुनाद वाचस्पति वाचम न स्वदतो इति चतुर्दिक्षो आज्याहुति होमा। सात आहुति घी की देंगे मुख्य यजमान। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नामः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नामः। ओम भूस्वाहा इदम नामः। गायत्री मंत्र आहुति देंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करते हुए स्वाहा के साथ आहुतियां प्रारंभ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः अविष्टं वर्धनार्थम् आहुति महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रायदं नमः ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महि सूर्यगायत्री मन्त्राहुतिः सः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति महाकाल परम गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा महाशक्ति वंदनीय माताजी सजत सदा के नाम से एक एक आहुति समर्पित करें ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नः श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महि महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदया स्वाहा इदं महाशक्तैरं नमः ओं ब्रह्मगम्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयायैरं नमः ओं ब्रह्मगम्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् नित्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा अग्निश्चिष्टकृद्विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृत हुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता बैठ जाइए भस्म का महत्व गीत के माध्यम से साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का ध्यान से सुनिए और दोहराइए भी महत्वपूर्ण है जो मृत्यु को याद कर लेता है सब कुछ जान लेता है सांस
सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। दाहिने कंधे में लगाएं, ओम तन्नो असुता शमिति हृदय, हृदय में लगाएं, क्षमा प्रार्थना, और दिनों की अपेक्षा आज क्षमा याचना, यस्य स्मृत्याचना मोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति, सत्यो वन्देतमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म, प्रच्छवीताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु, सम्पूर्णस्याधृतिश्रुति, सम्पूर्णस्याधृतिश्रुति, साष्टांग नमस्कार। हमारे जीवन में नम्रता, शालीनता और शिष्टता का संस्कार जीवन में बढ़ता चला जाए, देव शक्तियों का साष्टांग प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय किशोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारि मना। सभी भाई बहन सीधा होके बैठ जाएं, ठीक से बैठ जाएं, माताएं बहने आंचल फैलाएं, बच्चे जो दुपट्टा है दुपट्टा फैलाएं, बाकी भाई लोग दोनों हथेली फैलाएं, आंचल फैला हथेली दोनों फैलाएं, भगवान से मांगे, क्या मांगेंगे, हे भगवान ये कामन कुंडी गायत्री महायज्ञ तो हो गया है, लेकिन हमारा टारगेट अभी 108 कुंडी यज्ञ का है, इसके लिए जितना लोग आ गए हैं इतने से काम चलने वाला नहीं है, एक एक व्यक्ति कम से कम 100-100 व्यक्ति से संपर्क बनाएंगे अभी से लेकर के 1 साल के अंदर, और संपर्क कैसे बनाएंगे, नियमित अभी से 108 कुंडी यज्ञ के लिए 15 मिनट का जप भी करेंगे और स्वाध्याय भी करेंगे, समय दान भी करेंगे और अंश दान करेंगे, इसके माध्यम से ये क्षेत्र पूरा का पूरा आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हे भगवान ऐसी सामर्थ हमारे अंदर भी आए, और जो लोग नहीं आ पाए उनके अंदर भी ये शक्तियां जाए, प्रेरणा जाए, ताकि सब मिलकर के और एक ऐसा अभियान जो भगवान की योजना है उसको हम सब मिलकर के सफल बनाए, इस भाव के साथ शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गे न महीमहिंसा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यम् लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा पुण्यान् श्रद्धां मे राम्यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुषमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन शांति अभिषिञ्चनम्। ध्यान दीजिए आज अभिषिञ्चन कैसे होगा,
चारों कोनों पर चार कलश रखे गए हैं। एक कलश बीच में है और एक कलश यहाँ पूजा वेदी पर है। उसको और अलग अलग कलश में ट्रांसफर किया जाता है। 10, 12, 15 भाई बहन खड़े हो जाएं और उसी कलश को दूसरे वाले कलश में थोड़ा सा जल मिला करके और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके ऊपर 4 दिन की ऊर्जा, देवताओं की शक्ति, देवताओं का अनुदान वरदान अभी सिंचन के माध्यम से छिड़का जा रहा है, सिंचन किया जा रहा है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारा मन शांत रहे, हे भगवान हमारे परिवार में शांति रहे, हे भगवान हमारे नगर में शांति रहे, हे भगवान इस सारे धरती पर शांति रहे। इस तरह का सामूहिक प्रार्थना हम भगवान के साथ करते हैं। आइए अभी सिंचन करना, अलग अलग दिशाओं में, चारों तरफ से, चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं में पूरे जहां बैठे हुए सबके ऊपर कुछ जल के छींटे पहुंच जाए, ना भी पहुंचे जिनके ऊपर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना भगवान सबकी सुनते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति वनस्वतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामान शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। जहाँ का कलश जैसे था अभिसिंचन करने के बाद उसी तरह से अपने अपने कलश को सजा के रखना है। बाकी भाई बहन जो जल बचे हैं, ज्वारे बोए गए हैं किनारे किनारे, उन ज्वारों में थोड़ा सा दान कर दें। बाकी जो बीच में बैठे हुए भाव मुद्रा बनाएं, इस तरह से मुद्रा बनाएं, सूर्य से प्रार्थना करें, हे भगवान आप हमें प्रेरणा मार्गदर्शन और संरक्षण बराबर देते रहें। इस भाव के साथ सूर्य अवदान का प्रक्रिया पूर्ण करें भाव मुद्रा में। ओम सूर्य देव सहस्रांश तीजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्धं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः प्रदक्षिणा। आई गोल गोल घुमाए दोनों हाथ इस तरह से। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। बैठ जाएं, विसर्जनम। हमारी माताएं बहनें भी बैठ जाएं। 4 दिन से यहाँ आपको आने के लिए मजबूर किसने किया? 4 दिन यहाँ एक पट्टी पर बैठ करके गर्मी के सामने, धुआं के सामने बैठने के लिए धैर्य किसने दिया, हिम्मत किसने दिया, साहस किसने दिया? ये देव शक्तियों की कृपा जब होती है तो ऐसे चमत्कार होता है। भाई बहनों ये चमत्कार साल में एक बार ऐसा होना चाहिए, एक बार साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। जरा हाथ उठाकर परिचय दे, किनकी किनकी इच्छा है कि साल में ऐसा कार्यक्रम होना ही चाहिए? और बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ 108 कुंडी का ये स्वीकृति शांति कुंज हरिद्वार के आप प्रतिनिधि चिन्मय पंड्या जी के द्वारा आश्वासन मिल गया है। अब उसकी तैयारी में हर व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए, हर व्यक्ति का पुरुषार्थ होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। ओ देवता विदा हो रहे हैं, जो 4 दिन हमको ज्ञान से भर दिए, चिंतन से भर दिए और हमारे अंदर न जाने क्या 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 परिवर्तन हुआ है, क्या क्या हमारे अंदर उत्साह जगा है, किन किन रूपों में हमारे अंदर उमंग जगा है और हमारी भावनाएं कितनी ऊंची हुई है, हमारे चिंतन कितने श्रेष्ठ हुए हैं। आई उस देवताओं को भाव भरे गीत से हम विदाई देंगे। विदाई के बाद मंत्र बोला जाएगा देवताओं की। उस समय क्या करेंगे, चारों कोनों पर और एक बीच में 5 हमारे स्वयं सेवक तैयार रहेंगे और एक स्वयं सेवक यहाँ तैयार रहेंगे मंच पर आकर के। एक स्वयं सेवक वहां देव मंच पर तैयार रहेंगे जहां प्रवचनशाला है, वहां भी एक कार्यकर्ता अक्षत पूछ लेके तैयार रहेंगे। पहले देवताओं को भाव भरे गीत से
विदाई करेंगे। हे भगवान, आप मुझे छोड़ के ना जाएं। जो आपने प्रेरणा दिया है, जो हमें अशक्ति दिया है, इसके लिए हम पुरुषार्थ भी करेंगे और आपका सदैव विश्वास भी रखेंगे, लेकिन अपना संरक्षण और मार्गदर्शन हमें बराबर देते रहेंगे। इस भाव के साथ भाव भरेगी, बैठ जाएं अभी, कोई खड़े ना रहे, बैठ जाएं। जहां नियुक्त करने की बात कही गई वहां पहुंच जाएं, जहां जिनको बोला था वहां पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। भाव भरे हृदय से देव शक्तियों को हम विदाई दे रहे हैं। ध्यान से सुने, ताली कोई ना बजाए। आप हो रहे विदा प्रभु जी, इतनी नम्र प्रार्थना सुरीगण कृपया अंगीकार करें। बार बार आए हम जब जब सादर करुण पुकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, आप हो रहे विदा प्रभु। अब ये कामन कुंड के मुख यजमान सब भाइयों की ओर से थोड़ा सा कुंड में अक्षर पुट छोड़ेंगे, जब यहां से इशारा किया जाएगा तब। ओम गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थानि कुंड मध्यतम उत्मादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासनम्। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय माम किम् इष्टकाम संविद्यर्थम् पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। सब लोग बैठ जाएं, यथावत बैठ जाएं, सांचित होकर के बैठ जाएं, सामने मुंह करके बैठ जाएं। जो अभी तक के सीधा नहीं हो पाए हैं, इधर सामने बैठने का क्रम नहीं बना पाए, सामने सीधा होकर बैठ जाएं। भाई बहनों बैठ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने कहा कि हमारा ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है, वो अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और बेटे जहां भी तिलक लगा करके माताजी गुरुजी भेजते थे टोली को, कहते थे बेटे अपना अपने घर छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, उनसे भी ज्यादा सम्मान देने वाला, उनसे ज्यादा ध्यान रखने वाला आपको क्षेत्र में मिलेगा। अब भाई बनो, जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से हमने अनुभव किया है कि वास्तव में गुरुदेव की कही हुई वाणी आज सब जगह यथार्थ हो रही है। आइए हम सब भी विदाई गीत के माध्यम से हम विदा लेना चाहेंगे। आप लोगों की शुभकामना लेकर के, आप लोगों का स्नेह और प्रेम लेकर के यहाँ से विदा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप लोग तो यहाँ से जाएंगे कहेंगे बहुत थक गए, थोड़ा सा दो दिन आराम कर लेते हैं, चार घंटे आराम कर लेते हैं। लेकिन भाई बहनों, टोली जब विदा होती है तो एक जगह समाप्त होता है, दूसरी जगह शुभारंभ होता है। अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक कितने महीने होते हैं? 6-7 महीने का ये प्रव्रज्या होती है। इतनी उत्साह उमंग के साथ कैसे बजाते हैं, इतनी उत्साह उमंग के साथ कैसे गाते हैं, इतने वो उत्साह उमंग के साथ मंत्र कैसे बोलते हैं, इतनी उत्साह उमंग के साथ कथा प्रवचन कैसे करते हैं, ये सब आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। ये प्रेम स्नेह हम गुरु भाइयों के आपस में बनी रहे, इसके लिए हम विदाई गीत के माध्यम से आपको कुछ भाव और कुछ शब्द यहाँ सुना रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। बुलाया यहाँ पर उसी प्यार से ले रहे हैं विदाई, मगर भूल जाना नयुग पीर को तुम हृदय चीर कर जो तुम्हें है बताई। अभी प्यार से
था बुलाया यहाँ पर। दिखे नहीं पा रहा है घुटन बढ़ रही रंग घुटा जा रहा है मनुज है परेशान घबरा रहा है। यहाँ भी रहो दीप बने जगमगा इसी वास्ते ज्योति मन में जलाई मगर भूल जाना नहीं तेरे को तुम हृदय फिर कर जो तुम्हें है बताई हमें प्यार से। भाई बनो इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव की ओर से परम वंदनीय माता जी की ओर से श्रद्धेया सैल वाला पंडिया जी की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडिया जी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद खूब खूब मंगल कामना। हम अपने आयोजक भाई से निवेदन करेंगे विदाई की प्रक्रिया पूरी कर ले। ये बच्चियां जो श्रमदान की है वो सामने आए उनको तिलक लगा करके हमारी टोली के भाई सम्मान करेंगे। बहनों शांति कुंज हरिद्वार से जब भी कोई हमारे बीच आता है हमारे बीच बैठता है गुरुदेव के संदेश को सुनाता है हमें ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुदेव हम सबके बीच में उपस्थित हो गए हैं और इसी भाव से इसी भावना से हम सब अपने इन ऋषि पुत्रों का नमन वंदन करते हुए और आज विदा करेंगे यहाँ से।